अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए फ्रूट चाट की रेसिपी। रेसिपी शुरू करने से पहले आप सब लोगों को मेरी तरफ से ईद की बहुत 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 मुबारकबाद। और मैंने अपने चैनल पे ईद स्पेशल और भी रेसिपीज़ दिया है, आप उसे भी ज़रूर चेक कीजिएगा। तो चलिए अब हम रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स में हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो हमने यहाँ पे लिया है एक अनार, और हमने यहाँ पे एक केला ले लिया है, और हमने यहाँ पे 100 ग्राम लिया है तरबूज, और हमने यहाँ पे एक ले लिया है आम, और हमने यहाँ पे 100 ग्राम ही लिया है पपीता, और हमने यहाँ पे 100 ग्राम ही लिया है अंगूर, और हमने यहाँ पे एक सेब ले लिया है, और हमने यहाँ पे 100 ग्राम ही लिया है खरबूज। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। और हमने यहाँ पे 3 टेबल स्पून ले लिया है पिसी हुई चीनी, और हमने यहाँ पे नमक ले लिया है थोड़ा सा, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और हमने यहाँ पे 1 टीस्पून ले लिया है चाट मसाला पाउडर, और हमने यहाँ पे 1/3 टीस्पून ले लिया है काली मिर्च का पाउडर, और हमने यहाँ पे 3 से 4 पुदीने की पत्ती ले लिया है, और हमने यहाँ पे काला नमक ले लिया है 1/4 टीस्पून, और हमने यहाँ पे ले लिया है 1 नींबू का रस। तो बस इन्हीं इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक बोल ले लिया है, और अब हम इसमें अपने तमाम इंग्रेडिएंट्स को डाल देंगे। आप चाहें तो चीनी भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं दोस्तों, और आप चाहें तो इसमें कोई भी इंग्रेडिएंट ज़्यादा या कम कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें चाट मसाला ज़रूर डालिएगा क्योंकि उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और नमक आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं क्योंकि हमने चाट मसाला भी डाला है, उसमें भी नमक होता है। और अब हम इसमें डाल देंगे तमाम फ्रूट्स को, और फ्रूट्स में भी आपको जो फ्रूट पसंद हो आप वो फ्रूट डाल सकते हैं। और केले को आप जब कट करें तो इसे सबसे लास्ट में कट करें, क्योंकि अगर हम केले को पहले से कट करके रखते हैं तो वह काले पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसलिए केले को हमेशा लास्ट में ही कट करके डालें। और सारे फ्रूट्स डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और दोस्तों, अगर आपको क्रीमी फ्रूट चाट की रेसिपी चाहिए तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसे भी ज़रूर चेक कीजिएगा। तो हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और हमारे जो फ्रूट चाट है बन करके तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।